एक करी जाना, दोई कहे तिनही को दोजक जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। पंक्तियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, करे हम तो एक एक करी जाना, यानी कबीरदास यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि मैं सिर्फ एक ही परमात्मा अर्थात एक ही ईश्वर के बारे में जानता हूं। यानी संसार में क्या है ना, ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, एक सगुण साकार रूप और एक होता है निर्गुण निराकार रूप। साकार का अर्थ होता है जिस ईश्वर का अस्तित्व है, जिसका आकार है प्रकार है, और दूसरा होता है निराकार, माने जो कण कण में व्याप्त है सर्वत्र व्याप्त है, जो कबीर की धारणा थी। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वह सर्वत्र व्याप्त होते हैं, हम सब में है, प्रत्येक कण कण में है। वही कह रहे दो ही कहे तिनही को दोजक, बोलते जो भी कहते कि ईश्वर एक से अधिक है यानी दो है, उनको दोजक माने नर्क की प्राप्ति होगी, वो सीधे नर्क में जाएंगे क्योंकि ईश्वर एक ही है, ईश्वर दो नहीं है। जिन नाहिन पहचाना, ईश्वर को जो एक से अधिक मानते हैं, दो मानते हैं, तीन मानते हैं, चार मानते हैं, उसके विभिन्न रूप मानते हैं, बोलते हैं उन्होंने अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं पहचाना है, वह ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, देखिए कितना अच्छा उदाहरण वो दे रहे हैं कबीरदास, जैसे वहां पे बताए थे, यहां पे मीराबाई भी वही कह रही है। जैसे कबीर भी क्या था, सॉरी कबीर तो नहीं, मीरा के पद है ना, एक मिनट, सॉरी मीरा के पद। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, कबीर तो किसी ने नहीं पूछा ना, मीरा ही तो, मीरा के पद। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, माने यहां पर जो मीराबाई जो थी कृष्ण की अनन्य भक्त थी, एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति करती थी। गिरिधर का अर्थ होता है गिरी पर्वत को धारण करने वाले। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक बार क्या होता है, कृष्ण सभी वासियों से कहते हैं, ग्रामवासियों से, कि आप एक काम करो, इंद्र की पूजा बंद कर दो, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो जिससे हमें सभी कुछ प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं। इससे जब ग्रामवासी त्राही त्राही हो जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने क्या किया था, अपनी उंगली पर, कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिसकी छत्र छाया में सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो वही बोले, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, माने मैं एकमात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति करती हूँ, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान की भक्ति करती हूँ अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उसके अलावा मैं दूसरा किसी को नहीं जानती। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बोले जिसके सिर पर मोर मुकुट है, यानी श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, बोले उन्हीं को मैंने अपने हृदय से अपने मन से अपना पति परमेश्वर मान लिया है, मैंने अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दिया, मैं उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, और इसीलिए छाड़ दी मैंने, मैंने छोड़ दिया है, कुल की कानी माने मर्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान को मैंने सब त्याग दिया है, अब जिसको जो भी करना, क्या कहती है, कहा कर ही कोई, जिसको जो भी कहना है जो भी सुनना है कहते रहे बोलते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं एक निष्ठ भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करती हूं। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कहते कि संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने जो लोक लज्जा जो है उसको खो दिया है।
मैंने यहां पर साधुओं संतों के साथ संगति में करती हूं, और जो भी लोक में प्रचलित जो भी है, जैसे स्त्रियों के लिए तो हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। मैंने उस कहती कि मैंने इन सारे नियमों को तोड़ दिया है। यानी हम लोग जानते ही हैं कि उस समय पर्दा प्रथा था, महिलाओं को पुरुष के सामने जाने मना था या पुरुष के साथ उठना बैठना मना था। उसमें भी जब राजा की मृत्यु के बाद तो ये विधवा भी हो जाती, विधवाओं के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा कठोर नियम हो जाते थे। मीराबाई इन किसी भी नियमों को नहीं मानती थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन से कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। कति असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यानी यहां प्रेम बोली माने श्री कृष्ण की भक्ति। जैसे जब किसी पेड़ पौधे को, लताओं को जब भी हम लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, खनिज लवण पानी सभी को देते हैं, तभी जाकर वो बड़े होंगे। तो यहां पे बोलती है वो उसी प्रकार मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेली यानी भक्ति को सींचा है, उसको बढ़ाया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, और बोलते अब ये बेली जो है माने जिस प्रकार पेड़ पौधे लताएं जब बड़े हो जाते हैं तो उससे फल फूल आदि की हमें प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अब श्री कृष्ण की भक्ति करते करते मैं उस अवस्था पर पहुंच गई हूं जहां मुझे श्री कृष्ण से साक्षात्कार हो जाएगा, जहां मुझे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण से अब मेरी मुलाकात हो जाएगी और मुझे आनंद फल, क्या बोले, आनंद फल हुई मुझे खुशियां मुझे मिल जाएंगी। यानी जो भी भक्त किसी भी ईश्वर की अगर भक्ति करता है तो क्या करता है, उसके एकमात्र उद्देश्य होता है अपने भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेना, उनकी शरण में जाना। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई माने मथना, दधि मत घृत काढ़ लियो डार दही छोई, मैंने देखिएगा जब दही को मठा जाता है तो क्या होता है, उसमें से देखिएगा घी पहले निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या होता है दही जो पड़ा था वो निकल जाता है, उसके बाद अंत में जो बचता है वो निचोड़ करते हैं, उसको छाछ करते हैं, जिसको माठा कहते हैं, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में उसको माठा कहते हैं। यानी यह किस संदर्भ में, वो क्या दही से घी दही ये सब निकालने की बात करें, नहीं माने ये सांसारिक क्रिया कर्मों से उन्होंने अपने आप को पूरा विरक्त कर लिया, इससे अपने आप को मुक्त कर लिया है, और जो निचोड़ है जो संसार का सत्य है, संसार का सत्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान इस संसार में जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आता, और जब वो इस संसार को छोड़कर जाता है तब भी वो कुछ लेकर नहीं जाता। यानी उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है इस संसार से प्राप्त होता है और इस संसार में उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, तो फिर इसके प्रति वो मोह माया वो बाइडंबरता यानी दिखावा जो हम कहते हैं ये सारे अपने हैं, क्या संसार में कोई अपना है, नहीं। कहा है गया कि खाली हाथ आए जग में हाथ पसारे जाएंगे, क्या लेकर आए जग में क्या लेकर जाएंगे। तो ये बोलिए कि जो भी है मैंने सबको छोड़ दिया है, अब मुझे श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो है उनका छाछ, एक निष्ठ भाव से वो मुझे प्राप्त हो गया। भगत देख राजी हुई जगत देख ही रोई, बोलते कि जब मैं भक्तों को मैं देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि वो सारे ईश्वर की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो यह सांसारिक क्रियाकलापों मोह माया बड़ंबरताओं रूढ़ियों से अपने आप को मुक्त रखते हैं, इसलिए बोलते जब भी मैं भक्तों को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। लेकिन जब इस संसार को देखती हूँ और संसार में लिप्त मनुष्यों को देखती हूँ जो मोह माया के बंधनों से युक्त होकर सही गलत में कोई भेद नहीं करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, असत्य बोलते हैं, इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, बोले कि मीरा के तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, दास मीरा लाल गिरधर मैंने दासी भाव से भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण, बोले आपकी ही भक्ति आपकी ही दासी हूं मैं, तारो अब मोही, अब आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हो, मैं अब आपकी शरण में आ गई हूं, मैं आपकी ही दासी हो गई हूं, अब इस स्थिति से आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो, आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो। पग गोंगरू पद दो है, पग गोंगरू बाद मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची,
मैंने पीरा भाई जो है मैंने बताया है ये आप लोगों को कि ये लोक लाज मान सम्मान प्रतिष्ठा इस सबको उन्होंने त्याग दिया था, ये इसको तनिक भी परवाह नहीं करते थे। साधुओं के संतों के साथ बैठना जो ऊपर की पंक्तियों में हम लोगों ने देखा, तब क्या होता है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो गई थी कि पैरों में अपने घोंघरू बांध लेते और उस नाचते हुए मैंने श्री कृष्ण क्या क्या करती थी, भक्ति करती थी। बोले मैं तो मेरे नारायण सो, अर्थात श्री कृष्ण आप ही हो गई साथी, अपने आप होगी, मुझे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। मैंने बाकी सिर्फ जो भी सांसारिक बंधन है उसको मैंने तोड़ दिया, उससे अपने आप को मुक्त कर लिया और मैंने एक निष्ठ भाव से श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी, उनकी भक्ति में लीन होकर मग्न होकर नाचने गाने लगी, मैं अपने आप ही उनकी शरण में चली गई। लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी माने पगली, पागल हो गई है। लोग जब उनकी इन गतिविधियों को देखते हैं तो कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, क्योंकि जब भी एक इंसान जब सामाजिक बंधनों को नहीं मानता है, देखिए ये सारी चीजें जो है रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, लेकिन क्या है था? इसे हम अपने संस्कृति के नाम पर, अपने संस्कार के नाम पर, अपने सभ्यता के नाम पर क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर उसको पूरा तरह से हावी कर दिए हैं। और मीरा भाई इन सबसे मुक्त हो गई हैं, तो वही कहती है कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, मेरी इन गतिविधियों को लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और जो सगे संबंधी रिश्तेदार यानी परिवार के जो सदस्य जितने भी हैं वो कहते हैं ये तो कुल का नाश करने वाली है, मैंने कुल का विनाश करने वाली है, मैंने हमारी जो है परिवार की जो प्रतिष्ठा है मान सम्मान है इसको उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया है। विष का प्याला राणा भिज्या, अब इसी से क्या होता है, क्रोधित होकर उनके जो देवर थे मैंने उनके पति के जो भाई थे राणा, वो क्या करते हैं मीरा भाई को विष का प्याला भेजते हैं, उस विष को पीकर वो मर जाएंगे, ताकि ये जो उनकी बदनामी हो रही है उनके कुल पे जो कलंक लग रहा है इससे वो लोग बच जाएंगे। क्या होता है पीवत मीरा हाथे, मीरा उसे भी क्या करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेते हुए भक्ति करते हुए उसको भी हंसते हंसते हुए पी जाती है। और हम लोग कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जग जो बैरी हो, इन पंक्तियों के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है और धार्मिक जब भी या पौराणिक जब भी आप लोग कथाएं देखते होंगे या पढ़ते होंगे इस तरह की घटनाओं आपने पढ़ा है। भक्त प्रहलाद क्या होता है, हिरण्यकश्यप बार बार उन्हें मारने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो चूंकि मीराबाई भी श्री कृष्ण की एक निष्ठ भाव से भक्ति करती है, वो विष का प्याला पी जाती है लेकिन उनका कहीं कुछ नहीं होता, हंसते हुए उस विष के प्याले को वो पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मैंने जिसका विनाश न हो, जो नष्ट न हो अर्थात अमर, मतलब सहज मार्ग से सहज भक्ति करते हुए मुझे ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। यानी देख रहे हैं कि इस पद में जो है जो समाज के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है लेकिन देखने को मिल रहा है, अर्थात राणा के द्वारा जो विष का प्याला भेजा जा रहा है तो ये भी तो एक तरह से उनके ऊपर अत्याचार है, लेकिन चूंकि हमारा जो समाज है कभी भी महिलाओं को स्थान नहीं देना चाहता है जो पुरुषों को प्राप्त है, पुरुषों को हर प्रकार के क्रियाकलापों में संलिप्त रहने की छूट है लेकिन महिलाओं को नहीं। तो यहाँ पे बार बार ये बताया जा रहा है कि महिलाओं की भी तो अपनी इच्छाएं होती है, अपनी चाहते होती है, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, उनको क्यों नहीं पूरा कर सकते। तो सोचिए कहीं ना कहीं उस समय के समाज में भी मीराबाई जो बाइडम्बरताएं जो रूढ़ियां जो परंपराओं के नाम पर जो महिलाओं का शोषण होता था उसका विरोध करती है। तो ये थे मीराबाई के दोनों पदों की व्याख्या। रिद्धा इससे संबंधित कोई प्रश्न? रिद्धा कबीर समझ में आ गया है? कबीर यस सर। और कोई प्रश्न?
ठीक है, फिर भी एक चीज याद रखना है कि जो भी प्रश्न आएंगे अभ्यास को जो है प्रत्येक को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पे हो सकता है कि शब्दार्थ तो अगर अभी पूछा जाए, कोई एक दे दिया गया, कोई भी एक शब्द मान लो यहाँ पे है कि कानी, कानी का अर्थ क्या है, मैंने जो बताया मर्यादा प्रतिष्ठा या सम्मान, तो ऐसे कहीं तीन चार विकल्प दिए जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर क्या करना है, कविता की व्याख्या भी लिखनी है और उसके शिल्प सौंदर्य माने उसका जो भाषा जो है उसमें जो छंद है या अलंकार है जो भी उस पर भी लिखना है। जैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। तो पहले मैं थोड़ा सा अलंकार के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सींची सींची में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेली बोई ब की आवृत्ति है, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ सीसी सीची में है, बेली बोई में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ब की आवृत्ति है। बोला अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, आनंद फल यानी फल पे क्या है, खुशियों से युक्त, यानी अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा, रूपक अलंकार हो जा रहा। तो ये अलंकार हो गया, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का इसमें मिश्रण देखने को मिल रहा है। हाँ रूपक, वेरी गुड, आनंद फल में रूपक है। प्रेम बेली अगर लोगी तो प्रेम रूपी लता, तब हो जाएगा क्या रूपक, और जब बेली बोई लेंगे तब हो जाएगा अनुप्रास। सींची सींची चूंकि एक ही शब्द दो बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। भाषा क्या है, कई जगहों पे राजस्थानी भाषा है, ऐसे ब्रज भाषा का भी पुट इसमें है, लेकिन कई जगहों पे चूंकि राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थानी भाषाओं का कुछ पुट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब मैं इसकी व्याख्या किया था, फिर से कर दे रहा हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से मैंने श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम बेली है यानी श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको मैंने पल्लवित किया है, बड़ा किया है। अब तो बेली फैल गई, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करते करते मैं अब उस अवस्था में पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे अब आसानी से उनका सानिध्य या उनका कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। यानी मेरे जो सपने थे, मेरा जो लक्ष्य था कि श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, अब वह समय आ गया है। और दूसरे संदर्भ में बताया था प्रकृति के संदर्भ में कि जिस प्रकार जब भी हम कोई पेड़ पौधे या लताएं जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें खनिज लवण जल इन सभी को देकर ही उनको पल्लवित करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वो पुष्पित होते हैं, उसमें फल लगते हैं। तो जब वो फल देते हैं, फूल देते हैं, तो क्या होता है, हमें खुशियों की प्राप्ति होती है। तो ये प्रकृतिक संदर्भ में था, एक उदाहरण था, और ये दूसरा था। दूसरा जो है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ लियो दार दई छोई। यहां मैंने बताया था कि देख क्या करते हैं हम लोग कि जब दही को मटते हैं, दूध से तो दही बनाते हैं, जब दही को मटते तो क्या करते हैं, उससे पहले सबसे पहले घी निकाल लेते हैं, मटने से पहले उसका दही का जो गाढ़ा वाला पदार्थ है वो निकाल लेते हैं, उसके अंत में क्या बच जाता है, छाछ, जिसको मट्ठा भी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए मीराबाई जो है अपने आप को इन सारे सांसारिक मोह माया के बंधनों से अब मुक्त कर दिए, अब उनके मन में इसके प्रति कोई आसक्ति कोई लगाव नहीं रह गया है, वह अब इससे अपने आप को पूरी तरह से विरक्त कर लिए हैं। विरक्त कर लिए मैंने दूर कर दिए हैं अपने आप को, ठीक है, और एकमात्र वो एकनिष्ठ भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब इसमें देखो शिल्प सौंदर्य क्या है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, पहले तो भाषा लिख देंगे, बोले दधि मति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। देखो यो यो दई अछोई क्या है, यहां पर कौन सा अलंकार है, रिद्ध अनुप्रास, वेरी गुड। तो कैसे भाषा संदर्भ पे लिखना है कि भाषा सहज सरल और प्रभावमय है, जो सहज ही पाठकों को समझ में आ जाती है। और कोई प्रश्न, ठीक है रिद्धा, तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ, अगली कक्षा में फिर हम लोग अगले विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।